हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं जीसी अरवल एकेडमिक ब्लॉक जा रहे हैं और वहां पे बैडमिंटन मैच होने वाला है और आज फाइनल है, बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। चलिए चलते हैं, टाइम हो चुका है, बहुत ही मजेदार एक्साइटिंग होगा। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. तो यहाँ पर गाइस टॉस हो चुका है और आलोक कुमार जीत चुके हैं और यही अपना कोर्ट सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा कोर्ट मुझे चाहिए। तो गाइस मैच स्टार्ट हो चुका है और ये पहला पॉइंट आलोक कुमार को मिलते हैं क्योंकि ज्ञान कुमार आउटसाइड मार चुके हैं। तो दोनों ही प्लेयर काफ़ी सुंदर खेलते हैं, तो आगे आप बने रहिए और वीडियो को खूब इंजॉय कीजिए। तो गाइस अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, प्लीज़ दबा दीजिए।
'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks.
fix up, build what I want to make. Yo. और सब बाकी मैच बहुत अच्छा रहा। स्पर्धा स्पोर्ट्स में 2K20 के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, इस स्पर्धा 2022 बहुत अच्छा है, जो कॉलेज ऑर्गेनाइज कर रहा है। इससे पढ़ाई के अलावा खेल में भी बच्चों लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा हम लोग को एक कॉलेज के अलावा इंटर कॉलेज से भी जाने का मौका मिलेगा। इसका हम प्रिंसिपल सर से आग्रह करना चाहते हैं कि इस कॉलेज से के अलावा अगले कॉलेज में भी भेजने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक राज, आइए इधर आइए। स्पर्धा 22 के सबसे पहले ये बताइए कि आज के मैच के बारे में कुछ कहिए, दो चार सब। मैच हम नहीं, मेरा भाई आज बढ़िया खेला है, जूनियर है, क्लासमेट है, आज वो मैच बढ़िया खेला है। कैमरा बोलो। अच्छा ये बताइए, स्पर्धा 2K20 जो कि ये टूर्नामेंट हुआ इस कॉलेज में, इसके बारे में कुछ बोलिए, ये कैसा रहा, यहाँ तक लीग मैच से फाइनल तक आने का सफर कैसा रहा आपका? मैच के दौरान और मैच खेलने से आपसी भाईचारा बढ़ता है, सीनियर जूनियर का प्रेम बढ़ता है, इसलिए हम आप लोग से आग्रह करेंगे कि आगे भी इस तरह का आयोजन करते रहें। और अब आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आप इस प्रतियोगिता को जीत चुके हैं, और अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि बहुत सारे कहेंगे कि इसी तरह के भाईचारे के साथ हम लोग डेली प्रैक्टिस करें, और हमारा कोच दीपक पटेल हमको जो फाइनल जिताने में हेल्प किया है। कोच करेंगे, कोच से कुछ पूछिए। बैडमिंटन का जो प्रतियोगिता है वो आज अंतिम चरण में है, तो सर इस स्पर्धा के बारे में सर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? स्पर्धा का मेन उद्देश्य क्या है कि सभी लोग आपस में मिलजुल के रहें, सब आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखें। ये जनरली जो है स्पर्धा जो भी कराया जाता है कॉलेज में, ताकि लड़के एक दूसरे से आपस में मिले, घुले, एक दूसरे को समझे, सीनियर जूनियर के बीच में कोई भी दरार नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें होनी चाहिए, किसी को लेकर ध्यान में रख के यह स्पर्धा कराई जाती है, ताकि आपस में सब मिलजुल के रहें, सब मिलजुल के काम करें। इससे क्या होता है, अगर आप एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे तो पढ़ाई में भी आपको बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन मिलेगा सीनियर से। सीनियर जूनियर एक दूसरे का ख्याल रखें, सीनियर का रिस्पेक्ट है कि जूनियर को हमेशा संभाल के रखें, एक छोटे भाई की तरह रखें, और जूनियर का भी है कि आप अपने सीनियर को गार्जियन की तरह समझें, जो भी है, जो भी बात है सामने में बात रखें, कोई भी मन मोटाव ना रखें। स्पर्धा का मेन उद्देश्य यही है रहता है कि सब एक दूसरे के साथ को जाने, समझे और अच्छे से रहें कॉलेज में, बस यही। पिंटू सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का जो भी मैच जब स्टार्ट हुआ तो हमको ऐसा लग रहा था कि हमारे बच्चे कितने लेवल के हैं, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते गए, फाइनल में जो दो बेस्ट थे, इवन सेमी फाइनल में भी जो चारों बेस्ट लगे, एक जो मेरा बेस्ट लग रहा था ये किधर गया, आविष्कार है, उम्मीद के अनुसार नहीं खेला, लेकिन ये बहुत अच्छा प्लेयर है, और बाकी जो फाइनल में पहुंचे दोनों वो तो बहुत अच्छा है ही। और मैं बहुत सारे ऐसे भी प्लेयर अब मिल रहे हैं जो भाग नहीं लिए थे लेकिन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो आने वाले दिन में वो सब लड़के सब मिल के खेलेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ, मेरा एक रिक्वेस्ट है, या इसको बोलो कि ऑर्डर है, या जो समझो, जूनियर जैसे खास करके कुछ लोग जो ब्रांच वाई करते हैं वो नहीं करो, सिंपल सा खेल के प्रति रखो, जो भी गेम खेले, जो भी जीते, उसके जो अच्छा खेलेंगे वो जीते। ये मेरा रिक्वेस्ट या ऑर्डर।